आप देख रहे हैं जी न्यूज 7 खबर गाजीपुर से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 4 लाख की लूट की है। दो बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना बिरनो थाना क्षेत्र के जयरामपुर चट्टी की है, जहां स्थित ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक रामाशीष यादव से बदमाशों ने असलहे के दम पर 4 लाख रुपए लूट लिए। फिलहाल सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए एक रिपोर्ट। अपना परिचय बताइएगा। मैं रामाशीष यादव हूँ, इनाम पे ग्राहक सेवा केंद्र चलाता हूँ। अच्छा रामाशीष जी, क्या घटना घटित हुई है अभी आपके साथ? हमने 10:10 पे यहाँ पे आया और उसके बाद अपना जो शटर खोलने के लिए बैठा, दो लोगों बाइक के साथ आया और पीछे से हमको पकड़ लिया और हमारे ऊपर कट्टा जो है उनके पास असलहा था उसको सटा दिया। फिर हमसे हाथा बाई हुई जिसमें हमको हाथ में भी चोट आया है। वो लोग किधर से आए थे? ये जयरामपुर की तरफ से आए हैं। अच्छा, और कितने की लूट हुई है आपके साथ? 4 लाख का हमारा ले गए हैं लोग और एक लैपटॉप ले गए हैं लोग। अच्छा, किसी की सूचना दिया आपने प्रशासन को? पुलिस प्रशासन को हमने 112 नंबर पे कॉल कर किया, जिसमें हमारे यहाँ प्रशासन आई है और अपना जो भी है कार्रवाई में हमारे लोग लगे हैं। देखिए कहाँ तक बिरनो में व्यक्ति से लूट की घटना, बताइए क्या है प्रॉब्लम? देखिए, एक व्यक्ति जिसका खुद का एक ग्राहक सेवा केंद्र है, वो अपने घर से कुछ पैसे उस ग्राहक सेवा केंद्र में डिपॉजिट करने के लिए जा रहा था। कुछ दो लड़कों ने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे उस व्यक्ति का पीछा किया, बीच में रास्ते में उसको इंटरसेप्ट करके उससे पैसे जो है वो ले लिए, छीन लिए थे। पूरे प्रकरण की जो है तस्दीक बहुत अच्छे से करी जाएगी, इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया जाएगा। मेरे द्वारा टीम के द्वारा मौका मुआयना भी कराया गया है। जो जो व्यक्ति जेल से हाल ही में छूटे हुए हैं, लूट के मामले में छूटे हुए, उनको भी तस्दीक किया जा रहा है। जल्द से जल्द इस केस का अनावरण जो है वो गाजीपुर पुलिस करेगी। कितने पैसे का मामला है सर? देखिए, अभी पैसा उससे क्लियर अभी तक हुआ नहीं है, न अभी पूछताछ उससे चल रही है।